है गाइस। हमने इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है। रामलाल सेठ मर्डर केस के चारों सस्पेक्ट्स ने फिर से सरकारी गवाह शंकर को मारने की कोशिश की है। किसी बेवकूफ ऑफिसर ने शंकर के सिक्योरिटी को हटा दिया था। उसे हटाने वाला बेवकूफ ऑफिसर मैं ही हूँ। सॉरी चीफ, मैं जानता था वो लोग सरकारी गवाह शंकर को मारने जरूर आएंगे। तो वहाँ से सिक्योरिटी हटाकर उन सस्पेक्ट्स को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है ना सर? यस। अगर दुश्मन को हराना तो पहले उसे जीतने का मौका दो, फिर करीब जाकर अटैक करो। अपने आप को सरेंडर कर दो। एक काम करते हैं, हर मंजिल पर 3 ऑफिसर भेजेंगे, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। ओके सर। अगर वो ऊपर बच गए तो हम उन्हें हमेशा के लिए ऊपर भेज देंगे। 10 बार हो चुका है लास्ट वार्निंग देते हुए, एम्बुलेंस बुलाओ। सुनो सर। ओके सर। इयररिंग्स अच्छे दिख रहे हैं, आपने नोटिस किया? थैंक यू सर, बास की नजर है आपकी। पुलिस वाला जो हूँ। और एक तुम हो। क्या कर रही हो? लोडेड गन है। जो यू गो। हाँ बोलो। रंजीत, मैं मुख्य सचिव के साथ बैठा हूँ, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सर मैं एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में हूँ। किसी जरूरी काम में बिजी है सर। कौन सा काम है वो पूछ रहे हैं? ऐसे कौन से जरूरी काम में हो? नौकरी का सवाल है सर। कह रहे हैं नौकरी का सवाल है, मेरे लिए भी। अगर शिवानंद के मामले में कुछ गड़बड़ हुई तो मेरी नौकरी भी जाएगी। तुम्हें कितना वक्त लगेगा रंजीत? 4 खूनी वो भी वेपन्स के साथ 8वीं मंजिल पर हैं। कैरी ऑन। ओके सर। बस 5 मिनट सर, काम पूरा होते ही आ जाएगा। कम ऑन। रघु, तुमने अभी तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया? कर दिया है सर। कंप्लेंट दे दिया तुमने? दे दिया। तो चलो निकलो, चलो चलो, खड़े मत रहो। सुनो। हाँ साहब। क्या ये बैग तुम्हारा है? मेरा नहीं है। मैडम आपका है? नहीं, ये मेरा बैग नहीं है। फिर ये बैग है किसका? रघु सर, तुमने देखा ये बैग किसने लाया? पता नहीं सर। रघु, सबको यहां से बाहर जाने को कहो और बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। कोई तो इसे वहां रखकर चला गया। सीसीटीवी कैमरा चेक किया?
उस वक्त स्टेशन में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। बकरी का मुखौटा लगाकर लाल शर्ट पहना दिया। शर्ट निकाल कर देखा तो गुड़िया के छाती पर चार छेद थे, जैसे कील ठोका हो। सर, गुड़िया के पीछे चार डिजिट का नंबर मिला है, लेकिन ये कोड किस काम का है ये पता नहीं। मैंने ऐसे ही किसी एक नंबर जिसमें 4840 था उस पर फोन किया। किसका नंबर था? किसी मसाज पार्लर का। सोचा कभी काम आएगा इसलिए सेव कर लिया। सोचो इसे फांसी पर क्यों लटकाया है? क्या उसका इरादा किसी की फांसी की सजा रुकवाना तो नहीं है? चेक किया चीफ, किसी को फांसी की सजा नहीं मिली। किसी को मारने की धमकी तो नहीं? किसे? किसी वीआईपी को। क्या वो क्लू देकर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है? लगता है किसी ने हमारे साथ मजाक किया है सर। इस गुड़िया को लेकर हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? इसे मैं नींबू मिर्ची की तरह कहीं लटका देता हूँ। दिखने में अजीब है और बुरी नजर से हमें बचाएगा। हमारे ऑफिस को किसी की बुरी नजर लगने वाली है? वो तो सबको लगेगी सिवाय एक के। मजाक बंद करो। आई डिडंट मीन दैट। हाय रॉकी, गुड इवनिंग। कम कम कम, गुड बॉय। हाय भैया। हाय, हेयर कट करवाए? नेक्स्ट वीक। और जिम? हम दोनों में बस इनिशियल सेम है, लेकिन मैं मापे गया हूँ, थोड़ा आलसी हूँ। वो तो दिख रहा है। बिग ब्रो, सेल्फी हो जाए। यू गो बॉस, परफ्यूम बदल दिया, अच्छा किया। वैसे उस लड़की का नाम क्या? हाँ, लीना। कैसी वो? अच्छी है वो। हाँ, लगता मिलना कम कर दिया है। घर पे तो भैया बन के रहिए, पुलिस वाले नहीं, हाथ जोड़ता हूँ। पिक्चर देखने जा रहा है। आपको कैसे पता? नहाते वक्त भी तू अपना ट्विटर अपडेट करता है। कार से जा रहा है? बाइक। हेलमेट? एक एक्स्ट्रा ले लेना, लीना के लिए। वो बाइक में है। आपने फिर से पकड़ लिया ना। देखे भाई, मैं कम इन प्लीज। हे माय स्वीटहार्ट, मैडम बहुत बिजी लग रही हैं। होमवर्क प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट? इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो गिल्ली डंडा खेलता था। गिल्ली डंडा? बाद में बताता हूँ, पहले ही कंप्लीट करो। चीयर्स बेबी। कम सून। ओके। वाओ। क्या बात है रंजीत, आज तुम शाम से पहले ही घर आ गए। आज इंडिया पाकिस्तान वनडे मैच है, लोग उसमें बिजी हैं, नो क्राइम। तो सोचा जल्दी घर जाके फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारूं। मगर मेरा छोटा भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, बेटी प्रोजेक्ट में बिजी है, और मेरी बीवी पेंटिंग में बिजी है। ए, कॉफी गिर जाएगी। वहां जाके बैठो और मेरी पेंटिंग कैसी बनी उस पे राय दो। अच्छा एक बात बताओ, जो कस्टमर तुम्हारी पेंटिंग खरीदता है उसे इसे देखने पर कुछ भी समझ में आता है? अगर समझ आ गया ना तो वो खरीदना बंद कर देंगे। स्मार्ट हो। क्या तुम्हें समझ में आता है? पेंटिंग की खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तुमने फिर से अपनी फिलॉसफी शुरू कर दी, इसे तो अच्छा था ऑफिस में रहता। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्राइम सीन कैसे सॉल्व करते हो? क्राइम सीन में क्लूज मिलते हैं। उसी तरह पेंटिंग्स को समझने के लिए भी क्लूज होते हैं। जरा ध्यान से देखो। वही तो देख रहा हूँ। वहाँ देखो। क्या है ये? सिर्फ डेट और मंथ लिखा है? लड़की की उम्र नहीं पूछते और पेंटिंग की उम्र नहीं लिखते। डन। आज के बाद मैं तुम्हारी उम्र नहीं पूछूंगा। जाओ जाओ। अब बताओ तुम्हें क्या समझ आया? अच्छा चैलेंज कर रही हो तुम। वो जो हरा दिख रहा है ना वो जंगल है, और वो जो नीला दिख रहा है वो तालाब है। ठीक है। यहाँ एक मर्डर हुआ है। मर्डर? ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये जो लाल धब्बा दिख रहा है ये खून है। क्या बोल रहे हो? मतलब एक लड़की का मर्डर हो चुका है, ये देखो। लड़की? ये कैसे कह सकते हो? पुलिस वाला जो हूँ। ये कौन है जानती हो? ये जो चाकू लेकर जा रहा है, इसने उस लड़की को मारा है। वाह क्या सुराग है, व्हाट अ पेंटिंग। पूरा मूड
खराब कर दिया तुमने। इस पेंटिंग का थीम रोमांस है मगर तुमने इसे क्राइम सीन बना दिया। दत तेरी की, भूल गया, रोमांस है ना। तो अब बताता हूँ रोमांस की नजर से। ये जो चाकू लेकर जा रहा है वो मेरी तरह तुम्हारा आशिक है, समझे? मेरी तरफ नहीं, वहां देखो। हे, मैंने कहा ना वहां देखो। फिर वो करीब आता है। हे, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। रंजीत कालिदास। अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि कार फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कम्युनिस्ट नेता शिवानंद ने सरकार से बातचीत करके अपनी भूख हड़ताल कुछ समय के लिए रोक दी है। हेलो, हु इज दिस? कौन है रे जो इतनी रात को फोन कर रहा है? फोन रख।